सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती सारा अली खान को लेकर एक बड़ा दावा कर रही हैं। वेल, जहां एक तरफ एनसीबी इस पूरे केस में अपनी जांच कर रही है और रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही है, और इसी पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान सहित और भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम बताए थे जो ड्रग्स लेते थे। वेल, सारा अली खान को लेकर एक बड़ा दावा किया है इस बार रिया चक्रवर्ती ने, और ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने ड्रग्स का सेवन जो है वो ज़्यादा कर दिया था फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान, और सारा अली खान के साथ रहते उन्होंने अपना ड्रग्स जो है उसका डोज बढ़ा दिया था। वेल, हम आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती जिनसे एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है और हर आए दिन जो है नए नए मामले सामने आते रहते हैं, वहीं रिया चक्रवर्ती ने अब ये बात कही है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा नहीं है कि पहले ड्रग्स नहीं लेते थे, वो पहले भी ड्रग्स लिया करते थे, लेकिन फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपना ड्रग्स का सेवन जो है वो ज़्यादा कर दिया, क्योंकि सारा अली खान के साथ मिलकर और वो ड्रग्स का सेवन करते थे और उन्होंने उनके साथ मिलकर ड्रग्स लेना बढ़ा दिया। वेल, साथ ही में रिया चक्रवर्ती का कहना ये भी है कि 8 जून को उन्होंने उनका घर इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत पर मीटू के एलिगेशंस लगे थे, जिसकी वजह से उनको इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुशांत सिंह राजपूत का करियर जो है उस पर कोई किसी तरह का असर पड़े, और उसी दौरान लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स का जो डोज है वो बढ़ा दिया और वो और ज़्यादा ड्रग्स लेने लग गए, जिसके बाद जो है वो ज़्यादा सेवन करने लग गए। लेकिन बड़ी बात रिया चक्रवर्ती ने जो बताई है वो ये है कि सारा अली खान के साथ रहकर, यानी कि फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान उन्होंने ड्रग्स का जो डोज है वो बढ़ाया, पहले वो कम ड्रग्स लिया करते थे लेकिन सारा अली खान के साथ जब वो मिले, उनसे दोस्ती हुई, जब नज़दीकियाँ बढ़ी तो उन्होंने ड्रग्स का डोज लेना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। साथ ही में रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही सुशांत सिंह राजपूत का जो फ्रेंड सर्कल था वो ऑलरेडी पार्टी लवर्स वाला था, जो जिन्हें पार्टी करना पसंद था और जो ऑलरेडी ड्रग्स लिया करते थे, लेकिन उनके साथ रहकर भी सुशांत सिंह राजपूत इतना ज़्यादा ड्रग्स नहीं लेते थे जितना उन्होंने फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान लेना शुरू कर दिया था, और उसके बाद में जब लॉकडाउन हुआ तब उन्होंने और भी ज़्यादा सेवन ड्रग्स का करना शुरू कर दिया, तो जिसका ज़िम्मेदार उन्होंने सारा अली खान को बताया है। तो यहाँ पर साफ साफ रिया चक्रवर्ती जो है वो सारा अली खान पर इल्ज़ाम लगा रही हैं और ये कहना चाहती हैं कि सारा अली खान की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स का डोज जो है वो बढ़ाया और वो ज़्यादा ड्रग्स लेने लग गए। वेल, आप कितना अग्री करते हैं रिया चक्रवर्ती के इस बात से, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।